छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान 9 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे। वहीं सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर ली है। नई सरकार के इस पहले बजट सत्र में सरकार के कामकाज की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। 1 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 बैठकें होगी। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने 2,262 सवाल लगाए हैं। 10 से ज्यादा ध्यानाकर्षण की सूचना सदस्यों ने दी है। सत्र में कार्यों के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने सत्र की तैयारियों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सत्रह विधानसभा का यह द्वितीय सत्र 9 वर्ष 2024 का प्रथम विधानसभा का सत्र है। इस सत्र में कई मायने में महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय होगी। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नक्सल वारदाते, महतारी बंधन के नियम शर्तें लागू करने, बढ़ते अपराध जैसे मुद्दे उठाएगी। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य की राशि नहीं देने का मुद्दा भी सदन में जोर शोर से गूंजेगा। सत्ता पक्ष ने सत्र के एक दिन पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में विपक्ष का सामना करने की रणनीति बना ली है। अब जिस प्रकार से बजट सत्र में सामान्यतः सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी पर चर्चा होती है, और इसके साथ साथ असास के सदस्य हैं, सब प्रश्न भी लगाते हैं, ध्यानाकर्षण स्थगन, इन मुद्दों के माध्यम से जनता की जो आवाज है उसको और स्थगन भी स्थगन तो सामान्यतः जब बैठक और मुद्दे तय होंगे उसके बाद ही उसको लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी तैयारी है, क्योंकि अभी तो जो प्रश्न आएंगे वो पूर्व सरकार के काले कारनामों के आएंगे। बजट का प्रारूप तो जब बजट प्रस्तुत होगा तब आपको मालूम पड़ेगा। विधानसभा का बजट सत्र सबसे अधिक दिनों का होता है। तमाम विषयों पर चर्चा के साथ सरकार का कामकाज भी देखने को मिलता है। वही विपक्ष को जनहित के अधिकाधिक मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।